अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हॉस्पिटैलिटी रेस्टोरेंट जॉब्स इन दुबई के फेसबुक पेज से मैं हाज़िर हूँ। फ्रेंड, आज भी हम सर्च करेंगे कौन सी न्यू जॉब्स हैं, क्या प्रोसेस है और किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड, चलते हैं पेज की जानिब और सबसे पहले हम जाएंगे पोस्ट के ऑप्शन पे, देन सर्च करेंगे। और आपको ये भी वही बताते चलूँ कि इस पेज पे आपको हॉस्पिटैलिटी रेस्टोरेंट से रिलेटेड काफ़ी जॉब्स मिलेंगी जो कि डेली बेसिस पे अपडेट होती हैं। तो आप सर्च कर सकते हैं अपने क्राइटेरिया, अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, ये सारी न्यू जॉब्स हैं, अर्जेंटली शेफ रिक्वायर, फ्लोरिस्ट रिक्वायर, इसी तरह क्वालिटी मैनेजर रिक्वायर इन दुबई। सो फ्रेंड्स, हम इस जॉब की डिटेल्स चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या इनकी रिक्वायरमेंट है और क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं इस पेज पे और चेक करते हैं। क्वालिटी मैनेजर रिक्वायर इन दुबई, वी आर इन नीड ऑफ अ फिलिपिनो रेस्टोरेंट ऑपरेशन एंड क्वालिटी मैनेजर डेवलपमेंट हु कैन इम्प्रूव आवर रेस्टोरेंट ऑपरेशन, इम्प्रूव किचन डाइन इन स्टैंडर्ड एंड प्रोसेस, डाइन इन एंड किचन असिस्मेंट एंड रिकमेंडेशन, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट सजेशन, ब्रांच हेड्स गैदरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। सो फ्रेंड्स, इनको क्वालिटी मैनेजर चाहिए जो कि रेस्टोरेंट ऑपरेशन एंड क्वालिटी मैनेजर हो, जो कि डेवलप कर सके और इनके इम्प्रूव कर सके रेस्टोरेंट ऑपरेशंस को, जैसे कि किचन को इम्प्रूव कर सके और डाइनिंग स्टैंडर्ड एंड प्रोसेस कर सके, मॉनिटरिंग कर सके प्रोग्रेस को एंड कंसिस्टेंट एंड इम्प्रूव कर सके, और सजेस्ट कर सके ब्रांच हेड है, और जो गैदरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन कर सके कि किस तरीके से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं रेस्टोरेंट्स के स्टैंडर्ड्स को। सो फ्रेंड्स, जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसी फील्ड से रिलेटेड, और फर्दर डिटेल्स हम इनकी चेक करते हैं। जो इसकी सैलरी रेंज है वो तकरीबन 4 से 6 हज़ार ही डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, और जो आपका एक्सपीरियंस है कम से कम 5 साल का होना चाहिए। और बेनिफिट जो है, अदर बेनिफिट उसमें है, हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी कंपनी की तरफ से। सो फ्रेंड्स, अगर आप कैंडिडेट में से जो इंटरेस्टेड हैं वो डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें जो है इनका ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, सो आप जो है अपना ईमेल एड्रेस जो है, इस ईमेल एड्रेस पे आप अपनी सीवी, करंट अपडेट सीवी सेंड कर सकते हैं। और इसमें जो है आपको कुछ चीज़ें जो हैं आपको मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे पोजीशन है कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसी तरह नेशनलिटी कि आपकी नेशनलिटी कौन सी है, और इसी तरह स्टेटस, वीजा स्टेटस आप डिस्क्राइब करेंगे, देन और आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन आपकी कितनी है वो आप मेंशन करेंगे, देन अपनी सीवी सेंड कर देंगे आप। सो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस था इस जॉब का, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, इसमें ये रहे कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड से रिलेटेड, देन आप ये सारी चीज़ें इनको मेंशन करेंगे, देन अपनी सीवी जो है सबमिट कर देंगे विद अपनी पिक्चर के साथ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा बहुत, अल्लाह हाफिज़।